हेलो एवरीवन। सो फाइनली हम लोग कोपरगांव स्टेशन में पहुंच गए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं होटल के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सो हम लोग अभी होटल में हैं। सो दिस इज़ अवर होटल, दिस इज लुक लाइक दिस। इग्नोर माय बैकग्राउंड बिकॉज हम लोग सारा सब कुछ बिछा दिए हैं एंड साफ नहीं है, सो डोंट फोकस ऑन दैट। तो मैं रेडी हो गई हूँ एंड मैं आपको थोड़ा सा हमारा रूम दिखा देती हूँ। इतना कुछ खास नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको नॉलेज आ जाएगा। एंड हमको बहुत मुश्किल से ये रूम भी मिली है। सो दिस इज़ आवर मिरर, दिस इज़ टीवी एंड इसको देखो। ये तो हर जगह पे सिर्फ कूदना खेलना उसका उसी में ही लगा पड़ा था। एंड ये है हमारा बेड। एंड गाइस प्लीज़, हमारा जो सामान है वो ना इसको इग्नोर करो बिकॉज़ हम लोग बहुत थक गए थे एंड हम लोग कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही थी, तो हम लोग इधर उधर ऐसे करके सब सामान को फेंक दिए थे। एंड ये है हमारी बेड। हमको दो बेड मिली थी एंड हम लोग दो रूम लिए थे, उस तरफ और एक रूम है। एंड ये देखिए साई बाबा का प्यारा सा फोटो। एंड इस तरफ विंडो है एंड दिस इज़ मिरर एंड दिस इज़ मी एंड दिस इज माई फाइनल लुक। अभी हम लोग निकल गए हैं मंदिर के लिए। सो फाइनली हम लोग मंदिर में पहुंच गए एंड मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो मेरे से जितना होगा मैं उतना कैप्चर करने की कोशिश करूंगी। एंड ये जो आप लोग देख रहे हैं ये साईं बाबा के मंदिर है एंड हम लोगों का दर्शन बहुत अच्छे से हो गई। एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए इसके मार्केट गए। तो ये मार्केट है ना, आपको साई बाबा मंदिर के ठीक ऑपोजिट साइड में देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे बहुत वैरायटी का प्रसाद मिल रहे थे एंड हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत शॉपिंग किए। एंड यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फूल भी मिल रहे थे एंड प्रसाद, मिठाई, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। तो हम लोग थोड़ा बहुत शॉपिंग किए एंड ये इसकी एग्जिस्ट है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग थोड़ा सोच रहे हैं साई थीम पार्क जाएंगे, तो हम लोग उसके बाद साई थीम पार्क आ गए हैं। गाइस अगर आप लोग शिरडी आ रहे हो ना, तो ये जगह ज़रूर आना बिकॉज़ यहाँ पे ना देखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इसके अंदर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ मेरी मोबाइल की जो बैटरी थी वो बहुत लो थी, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एंड इसकी व्यू, ओ माय गॉड, मतलब बहुत ही सुंदर सा वाइब था। ये आप देख रहे हो ना, ये पार्किंग मतलब पार्क जैसा है। यहाँ पे आप लोग रील्स वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे बना सकते हो। एंड इसकी व्यू ना क्या कहूँ, बहुत ही ऑसम थी, बहुत ही ऑसम। इसके अंदर का मैं ना इतना सारा कैप्चर नहीं कर पाई लेकिन जितना भी की बहुत ही बढ़िया था। एंड इसको देखो, ये हम लोग थोड़ा सा बैलून खेल रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग गए साई प्रसादालय एंड यहाँ पे आपको दो तीन काउंटर देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ से आपको एक फ्री वाले मिलेंगे एंड एक पेड वाले। तो यहाँ से कूपन लेने के बाद ही वो लोग आपको एंट्री करने देंगे, अदरवाइज़ वो लोग एंट्री नहीं करेंगे। तो हम लोग अभी कूपन ले लिए, अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना आप लोगों को ऐसे सीरियल लाइन वाइज ही जाना होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, लाइक ऐसे ही इन लोगों का सिस्टम है। एंड उसके बाद हम लोग एंट्री किए, तो ये आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है, मतलब कितने लोग यहाँ पे नहीं खा रहे होंगे। एक में कुछ नहीं तो यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा लोग तो खा रहे होंगे। एंड यहाँ की सर्विस इतनी अच्छी थी, लाइक ये लोग इतनी हाइजीन मेंटेन कर रहे थे एंड सारा सब कुछ नीट एंड क्लीन थी। ये आप लोग देख सकते हैं, अगर आपका मतलब खाना ख़त्म हो गया तो वो तुरंत ही वो हटा देते हैं, तुरंत ही वो लोग क्लीन कर लेते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे देख के। एंड
आप लोग जितना बार खाने का चाहो उतना वो लोग देते हैं, एंड उसके बाद सारा सब कुछ वो लोग मेंटेन करके रखते हैं। वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग ना ज़रूर यहाँ पे प्रसाद ट्राई करनी चाहिए। यहाँ पे है साईं बाबा की सबसे बड़ी स्टैचू। लेकिन गाइस आप कंफ्यूज मत होना, ये एक होटल है एंड यहाँ पे सिरडी लिखा है। तो सबको यहाँ पे फोटो खींच रहे थे, मम्मी थक गई थी तो उस तरफ बैठी थी एंड यहाँ पे सबको फोटोज वोटोज खींच रहे थे। पानी पूरी क्या वा, अच्छा नहीं लगा? तो मिर्चा लग गया, एक जन बोल रहा है मिर्चा लग गया, एक जन बोल रहा है टेस्टी, देखते हैं। तुम डाला टेस्टी है, बड़ा खा रहा है, मीठा वाला खा रहा है, मीठा वाला है क्या? अच्छा डुकुरो मीठा वाला वाला। पानी पूरी कैसा लग रहा है? यम यम यम।